बेटा। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है, तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, अब क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा, 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहाँ रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ बस। ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, उसकी दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहाँ आ जाता है। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप इसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहाँ से आ रहा है। माँ अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था इसलिए देर हो गई। तो तू इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है? कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा, बता ना क्या कर लेगा तू। वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ, पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। उफो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के, बाद की बात में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन, डैडी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड अब बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी।
आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूँ? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूँ मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और एक महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ क्यों नहीं, कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। अब कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी से नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, याद सूरज कहां से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें एक रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना उतना ही मेरा भी है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा, आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किरायेदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने है तेरे पास, इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं।
पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं, अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू, आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है, लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा, अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।